हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है जो किसी और पार्टिकल से मिलकर ना बने हों। एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल उन पार्टिकल को बोला जाता है जो किसी और पार्टिकल से मिलके ना बने हो। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम का बर्तन है, तो ये क्या है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल होगा? ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ये किससे बना है, एल्युमिनियम के एटम से मिलके बना है। तो क्या ये जो बर्तन है वो किससे बना है, एल्युमिनियम के एटम से मिलके बना है। तो क्या एल्युमिनियम का एटम जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा? नहीं, ये एटम भी कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होगा। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन किसी और पार्टिकल से मिलके नहीं बनता है। लेकिन इनमें अगर हम देखें न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं। पहले ये माना जाता था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, लेकिन ये बात बाद में गलत साबित हुई। न्यूट्रॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलके बनता है, और वो पार्टिकल का नाम है क्वार्क। क्या नाम है? क्वार्क्स। क्वार्क से मिलके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनता है। न्यूट्रॉन में दो डाउन क्वार्क होते हैं इस तरह से, और एक अप क्वार्क होता है। प्रोटॉन में दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। अब क्वार्क में जो चार्ज होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो अप क्वार्क होता है उस पर होता है +2/3e, और जो डाउन क्वार्क होता है उस पर होता है -1/3e। अब ये e क्या है, e होता है एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इज दैट क्लियर? एलिमेंट्री चार्ज को हमने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता किया था। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस ई होता है। यहाँ पे जो ई का मतलब है वो एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो +2/3e, और डाउन क्वार्क पे होता है -1/3e। तो हमने यहाँ पे जाना कि न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क से मिलके बनता है और एक अप क्वार्क से। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क से, एक अप क्वार्क से, और प्रोटॉन दो अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से। तो चलिए इसका चार्ज कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दो डाउन चार्ज है, यहाँ पे कितने चार्ज हैं, दो डाउन चार्ज हैं, तो -1/3e और -1/3e। चार्ज को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस लगेगा साइन, फिर उसके बाद में एक अप है तो उस पर हो जाएगा 2/3e। यहाँ पे मैंने दो डाउन क्वार्क को प्लस कर दिया और एक अप क्वार्क को प्लस कर दिया। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि -1/3 -1/3 -2/3 हो जाएगा, और ये 2/3, तो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा और जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। इज़ दैट क्लियर? प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोटॉन में दो अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है, तो अप क्वार्क पे कितना होता है, 2/3 होता है +2/3, और एक डाउन क्वार्क है तो प्लस, यानी +1/3e। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1e, क्योंकि 2/3 2/3 4/3 हो जाएगा, 4/3 में से 1/3 जाएगा तो 1e आ जाएगा, यानी 3/3 से हम काटेंगे तो 1e आ जाएगा, यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमने जाना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्क्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स जो किन्हीं और पार्टिकल से मिलके ना बने हो, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल उन पार्टिकल्स को बोलेंगे जिनका कोई अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या एलिमेंट्री पार्टिकल है, नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल। कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जैसे कि फोटॉन्स। फोटॉन क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं लाइट के पार्टिकल्स, जो कि होते हैं मासलेस। कैसे होते हैं, मासलेस, मासलेस पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स, जो कि लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्योंकि इनका भी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनका भी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर
नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे इनको, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं ये कोई और पार्टिकल से मिलके नहीं बनते। कुछ और एग्जांपल हैं एलिमेंट्री पार्टिकल के, जैसे न्यूट्रिनो, ये भी एटम के अंदर पाया जाता है न्यूट्रिनो, इसके बारे में अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने समझा एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसको कहते हैं। आप समझते हैं क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा और, तो यहाँ पे क्वार्क्स की बात कर रहे हैं हम, तो क्वार्क्स जो होते हैं वो सिक्स टाइप के होते हैं। अभी तो आपको मैंने अप और डाउन के बारे में बताया, यहाँ पे सिक्स टाइप के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, सिक्स टाइप के होते हैं, जिनमें से जिसमें मैंने रेड में लिखा है उस पर जो चार्ज होता है वो होता है +2/3 E। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। और जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें कितना होता है, -1/3 E। ये जो मैंने रेड में लिखा है उस पर कितना चार्ज होता है, +2/3 E, और जो मैंने रेड में नहीं लिखा है उस पर कितना चार्ज होगा, -1/3 E। तो इतना चार्ज होता है इन क्वार्क्स पे। इनके अलावा एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट्री पार्टिकल है ही है। अब तीन तरीके के होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं कि इनका स्पिन 1/2 होता है, माइनस चार्ज होता है। म्यूऑन भी सेम टू सेम होता है इलेक्ट्रॉन की तरह, लेकिन इसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। और टाउ, टाउ भी एकदम सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, लेकिन इसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है और म्यूऑन से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब न्यूट्रिनोस की बात करते हैं, ये भी क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। टोटल कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, टोटल 12 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे 3 यानी 9, और यहाँ पे 3 यानी 12। टोटल कितने हैं, 12। 3 इलेक्ट्रॉन और 3 न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, सेम टू सेम इसमें भी होता है, इसका मास इससे ज़्यादा होता है, इसका मास इससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसको हमने समझा। अब चलिए इनको और समझते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। स्पिन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सन होता है, सन के चारों तरफ ऑर्बिट में कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। तो अर्थ तो एक ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, एक स्पिन भी कर रहा है अपने एक्सिस पे, इस तरह से भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, स्पिन भी कर रहा है। ठीक इसी तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं उनका कुछ ना कुछ स्पिन होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्या होता है, स्पिन होता है। तो इनके बेसिस पे, स्पिन के बेसिस पे हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दो टाइप में बांट सकते हैं। कौन कौन से, बोजॉन्स और फर्मियॉन्स। बोजॉन्स और फर्मियॉन्स दो टाइप्स में बांट सकते हैं। बोजॉन्स हम उनको कहते हैं, उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कहते हैं जिनका स्पिन इंटीग्रल होता है, जिनका स्पिन कैसा होता है, इंटीग्रल। और फर्मियॉन्स उनको कहते हैं जिनका स्पिन हाफ होता है, कितना होता है, हाफ। अब इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल जैसे कि फोटोन, लाइट के पार्टिकल्स। अब मैंने आपको बताया फोटोन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और इसका स्पिन कैसा होगा, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है 0, 1, 2, 3... और इसका स्पिन कैसा होगा, 1/2। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, इज दैट क्लियर। तो हमने जाना कि स्पिन के बेसिस पे भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया जाता है बोजॉन्स और फर्मियॉन्स में। दो टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, बोजॉन्स और फर्मियॉन्स। इनके मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दिए। अब चलिए कुछ और जानते हैं इसके बारे में, न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे। जैसे कि हमने जाना कि क्वार्क क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, और क्वार्क से मिलकर न्यूट्रॉन बनता है। तो ऐसे पार्टिकल जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, ऐसे पार्टिकल जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट पार्टिकल। क्या कहते हैं, कंपोजिट पार्टिकल्स, इज दैट क्लियर, कंपोजिट पार्टिकल्स उनको हम बोलते हैं। ऐसे पार्टिकल जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल से बनते हैं उनको हम कंपोजिट पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या, किससे बनता है, क्वार्क से। न्यूट्रॉन भी किससे बनता है, क्वार्क से। क्वार्क क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो उनको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट पार्टिकल्स। अब कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल्स और कंपोजिट पार्टिकल्स को क्लासिफाई करते हैं मास के बेसिस पे, मास के बेसिस पे। तो देखते हैं इसको, मासलेस बोसॉन। मासलेस बोसॉन किसको कहते हैं, जिन पे लगभग जीरो चार्ज होता है, जीरो रेस्ट मास होता है, जीरो या इंटीग्रल स्पिन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मासलेस बोसॉन। ये पार्टिकल स्टेबल होते हैं और ये वैक्यूम में लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा, फोटॉन। इसको मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मासलेस होते हैं। और ऐसे पार्टिकल जो मासलेस होते हैं वही लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसे पार्टिकल जो मासलेस होते हैं वही लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लेप्टॉन। लेप्टॉन क्या होते हैं, लेप्टॉन का मतलब होता है लाइट वेट। ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जिनका मास पाई मेसॉन से कम होता है। पाई मेसॉन क्या होता है, पाई मेसॉन न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल होता है
जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन कराता है, यानी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करता है, जिसके वजह से न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। अगर आप पाई मेसॉन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। सेट क्लियर? तो पाई मेसॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चेंज करता है। बिलोंग टू दिस कैटेगरी। लेप्टॉन लाइट वेट का होता है, जिसका मास पाई मेसॉन से कम होता है। सभी लेप्टॉन का स्पिन जो होता है 1/2 होता है। अब 1/2 स्पिन है तो ये क्या होंगे? फर्मियॉन्स होंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन 3 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, और न्यूट्रिनोस भी 3 टाइप्स के होते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेसॉन। द वर्ड मेसॉन मीन्स द मिडिल मास पार्टिकल। मेसॉन का मतलब होता है मिडिल मास पार्टिकल, मतलब इसका मास ना ज़्यादा होगा ना ज़्यादा कम होगा। दीज पार्टिकल्स हैव रेस्ट मास लार्जर देन म्यू मेसॉन। इनका जो मास होगा वो म्यू मेसॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट लेस देन प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा कम होगा। ऑल द मेसॉन्स हैव जीरो और इंटीग्रल स्पिन। इनका स्पिन कैसा होगा? जीरो या इंटीग्रल। तो जीरो और इंटीग्रल होगा तो ये क्या होंगे? बोजॉन्स होंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा पियॉन और कियॉन। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई जीरो, पाई प्लस और पाई माइनस। इज दैट क्लियर? पियॉन और कियॉन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं के प्लस, के माइनस और के जीरो, इस तरह से। फिर बैरियॉन्स का मतलब क्या होता है? बैरियॉन मतलब होता है हैवी वेट, यानी थोड़े ज़्यादा मास वाले पार्टिकल्स। ऐसे ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच हैव रेस्ट मास इक्वल टू और ग्रेटर दैन द मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनका मास या तो ग्रेटर हो प्रोटॉन से या तो इक्वल हो, उनको हम कहेंगे बैरियॉन्स। दीज पार्टिकल्स हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन। इनका जो इंटीग्रल स्पिन होगा वो हाफ होगा, तो हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा तो ये क्या होंगे? फर्मियॉन्स होंगे। एग्जाम्पल इनके क्या है? न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स तो आप जानते हैं, हाइपरॉन्स क्या होता है? हाइपरॉन्स का मतलब ये होता है कि ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बनते हैं। स्ट्रेंज क्वार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे पार्टिकल जो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बनते हैं, उनको हम कहते हैं हाइपरॉन्स। लेकिन इसमें चार्म बॉटम और टॉप क्वार्क एब्सेंट होता है। चार्म बॉटम और टॉप क्वार्क क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसमें? हाइपरॉन्स में। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे के वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ही आगे प्रोसीड करेंगे और डिटेल में इसको देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।